I'm rolling. Yeah, you laugh. और आवाज बुलंद रखना प्लीज. हमारी आवाज बुलंद, बाल मत. एक सेकंड, मुझे कुछ और चाहिएगा. यार आप बोलते रहो, चालू है चालू है. तो तुम क्या कर रही हो? हम बिना सवाल के जवाब कहाँ से दें? वैसे अक्सर ये होता है, वो एक सवाल पूछते हैं, उसके बाद बोलती रहती बोलती रहती, और फिर मुझे सडनली रियलाइज होता है वो पूछती उस समय आपको सवाल. नहीं नहीं ऐसा नहीं है. तुम और टू द पॉइंट. विराज भी निकला था. विराज इज नॉर्मल इंसान. विराज वेरी टू द पॉइंट. सुरभि के बारे में पूछो. हाँ तो करणवीर और सुरभि बताएंगे कि आहिल और सनम कौन है. तुम अभी लाइक्स और डिसलाइक्स बताना मुझे बंद करो यार. आवाज बुलंद रखना प्लीज. यार तो फिर आप पास आ जाओ. यार मेरी ये तो इतनी बुलंद है आवाज. नो, ये तो अच्छा सा फ्रेम है मेरा. पर मैं काफी जोर से बोल रही हूं. आप तो आपको तो कभी प्रॉब्लम नहीं? अब बोल लेना, आ जाएगी आ जाएगी. प्रॉब्लम है यार. ओ मेरी आवाज के बारे में प्लीज मत बोल. तो फिर क्यों बोल रही है वो कि आवाज बुलंद रखो? वो तेरे बारे में उन्होंने बोला, आपकी सही है. बस यही होगा ना आहिल और सनम का रिश्ता. तू मैं बस तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. नहीं सब तो बता दिया हम लोगों ने आपको. एक मिनट में थोड़ी ना सारी कहानी खत्म होती है. टू द पॉइंट. मैं परेशान हो गई यार इससे यार. अच्छा ऑलरेडी परेशान. बेफिजूल कोई शब्द नहीं होता. फिजूल इटसेल्फ इज फिजूल. बेफिजूल क्या होता? ठीक है, गिवन टू हर प्लीज. देखो मैं कितना मॉडेस्ट हूं. मैं जो अगर सपोज मिस्टेक किया, आई गिव इट, आई एडमिट. मुझे लगा था एक भगवान ने एक नई सैंपल बनाया है. ये देख लो आप, मतलब खुद की तारीफें दिन रात जब तक शूट करता है मैं सुन सुन के पक जाती हूँ. खुद की तारीफें ही करता रहता है. इतनी मेरी जिंदगी में कभी इतनी बनती थी तुम्हारी बनती नहीं. हम फिर भी करते रहते तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करता. इसकी खुद की तारीफ. आई ऑलवेज बिलीव भगवान की तारीफ. लव यू सेल्फ. चाहे लोग आपको लव करें, अगर आप अपने आप को प्यार करें. अब अपने आप के बारे में बताओ जो कुछ कहना है. अब लोग बताओ अपने बारे में. आप कुछ नहीं बताना इसके बाद. होते क्या बताया ही क्या अभी तुमने? अभी तो बताओ तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, कितने बेहतरीन कलाकार हो, सब बताओ. सवाल था कि आहिल और सनम के बारे में बताओ. नहीं नहीं, हम करणवीर और सुरभि के बारे में भी जानना चाहते हैं. बाद में पहले ये तो पहले मैं बताती हूँ. अच्छा हम ऐसा करते हैं, आप बताओ. फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to say this कि फोरम 32 पर ये हमारा पहला इंटरव्यू है together, and very proudly I can say that it's been a pleasure कि हम हमारा पहला इंटरव्यू इतना जल्दी दो हफ्ते बाद दे रहे हैं. मैं तो ये ताना मारने की जरूरत कहाँ थी? मैं तो दो दिन बाद ही दे सकती थी, लेकिन करणवीर बहुत ज़्यादा नर्वस थे. एक तो फोरम 32 और ऊपर से मेरे साथ इंटरव्यू था. आपके साथ बहुत सारे इंटरव्यूज किए. इसके साथ मुझे बता ही देता हूँ कि अपने आपको बहुत मतलब ऑफकोर्स अब मैं क्या बताऊँ. मतलब आई नाउ आई लाइक हर, बट पहले तो बता दो यार. चलो ये बहुत ही ये सच्चाई का सामना है. बताओ, बताओ. सच का सामना हो गया. बताओ. पहले ही दिन मैं चाहता था कि मैं इसका इंटरव्यू करूँ, बट आई मतलब यू वोंट बिलीव मुझे क्यूज तक नहीं दी. इसका नाम है झूठ वीर बोल रहा. नहीं नहीं कंप्लीट तो कर लो, कंप्लीट तो कर लो. क्यूज भी नहीं दिए क्योंकि मैं नेक्स्ट सीन के लिए तैयार हूं. एग्जैक्टली शी वाज मोटिवेटिंग मी फॉर द अदर सीन. सही कहा, मैं झूठ वीर बोल रहा हूं. इसने मुझे कहा मेरी तारीफ करने के लिए, मैं बिल्कुल नहीं करूँ. यार ये फिर झूठ. यार यू हैव टू अर्न माय रिस्पेक्ट. यू हैव टू अर्न माय तारीफ. आई गेस आई ऑलरेडी अर्न. नो वक्त लगेगा यार. ये वक्त बहुत लगाता है. तू मैं इतना वक्त हर बात पे बोलने का. अभी वक्त लगेगा, ये लगेगा. सीरियल खत्म हो जाएगा, तुम अपना वक्त ही लेते. हाय हाय, ऐसे सीरियल कैसे खत्म होगा? हमने अभी 500 एपिसोड कम से कम करने हैं. अभी तो हमें दुनिया दुनिया को दिखाना है कि हम क्या हैं. ज़माने को दिखाना. The best is yet to come. Oh yes. कभी कभी कर लेता है. अच्छी बात है.
तो मैंने दो एक ऐसी इसकी बातें सुनी, मुझे लगा कि चल ठीक है यार, बाकी मैं संभाल लूंगी, एक बार इंटरव्यू शुरू तो कर। वो वाला डायलॉग याद आ गया, इसने बेसिकली सही यू नो व्हाट इसने कहा, बस यू जस्ट लुक गुड, द रेस्ट आई विल टेक केयर। ये तुम कर लो, तुम्हारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आई डोंट माइंड, शक्ल देखिए तुमने, आई डोंट माइंड, आई जस्ट हैव टू लुक गुड। किसने बाल सेट किए तुम्हारे, बता दो। वो छोड़, लेकिन सुरभि एक बात तो है करणवीर की, भाई वो कुछ भी कर लो, वोल्वरीन जैसे हेयर स्टाइल जरूर कर सकता है, तो उस बात पे तो तुम फिदा हो ही जाओ। खड़े हो गए इसके बाल। हाँ देखा। ओह माय गॉड, हमारी अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मेरी और करणवीर की पहली फाइट किस बात पे हुई थी कि ह्यूग जैकमैन का ह्यूज फैन कौन है, मैं या ये। सो हमारे पास अपने अपने पॉइंट्स थे, लेकिन एक बात पे ऑब्वियसली मैं फिदा हो गई कि ये जो अपना हेयर स्टाइल है वो एकदम जैसा वुल्वरीन का होता है वैसा बना सकता है, जो कि मैं नहीं कर सकता। हमारे बहुत सारे बहुत कम ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो कि एक्शन फिगर्स एक्शन मूवीज की फैन होती हैं, और मोहतरमा जो है यहाँ पर आउट ऑफ ऑल एक्शन हीरोज एंड सुपर हीरोज जो कि वोल्वरिन की बहुत बहुत ज़्यादा एकदम बिग टाइम फैन है। शादी करनी थी, एक फोन। नहीं नहीं शादी नहीं करनी थी, अब मैं नहीं बोलना चाहती क्या करना था। शादी करनी है सच में, अगर इस पूरी दुनिया में ऑप्शन हो कि मुझे किसी किससे शादी करनी है तो आई गेस मैं ये अपने आपको एक म्यूटेंट समझती है, तो मैंने कहा सही बात है, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल एग्जैक्टली वैसे नहीं लगती है। ये तुम पता कैसे लगते हो, मैं बताती हूँ, वो तुम वो लगते हो ब्लू वाले जिसकी पूंछ होती है और ब्लू कलर का होता है, जीभ लंबी होती है, उड़ता है और वो गंदा वाला, तुम वो म्यूटेंट, एक्चुअल में ये वही म्यूटेंट है। ओह गॉड, पॉटी की है, आई कांट बिलीव इट। तो इंटरव्यू कंटिन्यू करें या पॉटी, प्लीज प्लीज पॉटी साफ हो जाएगी बाद में। सो एक ये अच्छी खासी हो गया बातों पे डिस्कस कर, ये लोग बोल रहे हैं कि आपका शॉट रेडी है, हमें तो धोखे से बोला गया था बोला है सर, ठीक है आ रहे, अभी चेंज भी करना, लाइटिंग हो गई। आपको चेंज करना है तो हम आके करते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा। हाँ फिर ये मेरा सेटअप ही चला जाएगा, मेरा सन चला जाएगा। बोली थी ना इसमें, अरे हाँ ये वही सीन है, वो जो नाइट वगैरह लाइट चली जाती है धक्का देके, वाला लैंटर शर्ट वाला है ना, जिपो वाला है, जिपो वाला वो नाइट थी। हाँ यही था। तो कितना वक्त है अभी? बस मुझे पूरा दीपक सने का। हाँ चलो बस खत्म कर लेते हैं। आहिल और सनम के बारे में कुछ तारुफ कर दे आपको, आप बताएं सनम कैसी लगी आपको आहिल को? अच्छा मुझे, अच्छा आहिल को सनम ऑफ कोर्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं शायद आपसे ये पूछा जाता कि करणवीर को सुरभि कैसे लगी? अच्छी लगी, और ये आहिल के बारे में, आहिल को सुरभि अच्छी, आहिल को सनम अच्छी नहीं लगती। गुस्से से बचो अब तुम मेरे, कहर कहर से बचो। पहले दिन जो तुमने रजनीकांत की तरह चश्मा लगा के भैया, अम्मा से अम्मा से दे सके बहुत खुशी, मैं हमेशा याद रहेगा। पहले ही दिन जब हम सीन कर रहे हैं, मैं इसे नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानती है, वो एक शॉट रही, ऑफकोर्स कुछ किए हमने, और शॉट था कि मुझे चश्मा पहना है, तो शॉट खत्म होता है। हमारी सनम कहती है हमें, जिस तरह से चश्मा पहना वो नेचुरल नहीं है, थोड़ा स्टाइल थोड़ा नेचुरली पहना। अब मैं देखूँ मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मैं इसे कहूँ कि माइंड योर बिजनेस, मैं इसे कहूँ थैंक यू, या मैं इसे कहूँ कि डू यू नो हु यू टॉकिंग टू, यू नो, या मैं इसे कहूँ कि देयर आर आस्क फॉर योर ओपिनियन, या इसे मैं कहूँ कि यू नो आई एम सो ग्लैड कि आपने ये नोटिस किया। फिर इतना सब कुछ सोचने के बाद फाइनली ही रियलाइज्ड कि जो भी मैंने कहा दैट वाज ट्रू, सो इसे लगा कि ओके मैं अगली बार से और देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, दो हफ्ते में मतलब चश्मे ही बदल गए, दो हफ्तों में जोड़ी कमाल की हो गई। देखो सच में यार तुमने रजनीकांत की तरह चश्मा पहना, ऐसे तो रजनीकांत बॉस, इमेजिन पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड जो है रजनीकांत का फैन है, और तुम रजनीकांत की फैन नहीं? नहीं, मुझे बहुत सारे जोक्स आते हैं, जोक भी आते हैं तो क्या हुआ, लेकिन मुझे रजनीकांत मैं बहुत प्रभावित, लुंगी डांस में तुमने थिएटर में खड़े होकर डांस किया था? एब्सोल्यूट, पैसे भी झूठ मत, झूठ मत। हाँ मैंने भाई, मैंने इनके साथ शोले देखी हैं करणवीर,
और इन्होंने जो वुल्वरीन का जो नेक्स्ट जो मूवी है वो भी इकट्ठे देखनी है। हाँ, फिर हमें ये हम ये कंपटीशन करेंगे कि कौन ज्यादा हूट करता है, कौन ज्यादा चिल्लाता है, वो ये काम करता है। ये है कि ये जब मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि जब ये लाइन्स क्या कहते हैं उसे मेमोराइज करते हैं, बहुत शानदार तरीके से मेमोराइज करते हैं। शी इज वेरी गुड एट लर्निंग एंड मगिंग अप लाइन्स एंड ऑफ कोर्स बहुत नेचुरल भी है। बट मैं जो है कि चाहे वो पिक्चर भी देखनी क्यों ना हो, यू नो आई सी इट एकदम दिल से, मैं एकदम जो डेप्थ से देखता हूँ तो मैं ज़्यादा चिल्लम चिल्ली नहीं मचाता हूँ। सिमिलरली अबाउट एक्टिंग आल्सो, आई एम वेरी नेचुरल व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग वाचिंग मूवीज। हो गया, थैंक यू सो मच सर अपने बारे में बताने के लिए। और बताइए आपकी स्कूलिंग कहाँ से, अब आपका शॉट रेडी हो चुका है और नौशाद साहब तक पधार चुके हैं कि बिफोर गोर्की कम्स हियर एंड सेज प्लीज गो फॉर द शॉट, आई थिंक वी शुड कट हियर, आई विल कम बैक लेटर, बाय।